बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इक्राम अला सय्यदि अस्लि मा फिल वुजूद सिरल्ला फी कुल्लि मौजूद नुक्ते दाएरते वजूद साहिब रिवायत हमद वल मकाम महमूद मौला व मौला सकलैन जत्ते लहसन वल हुसैन अलैहि आमीन मुहम्मद सुम्म सलातु अला बनीहि व वसीहि व अकीहि व अमीनहि व खलीफतहि बिला वस्त अशरफ इकरते ही मनाकते हुज्जते ही बाबिल हिकमते ही फातह कायबर जोते बतूल अमीर मोमिनीन इमाम मुत्तकीन इमाम मशारिक वल मगारिब खालिद कुल गालिब अली इब्ने अबी तालिब वलबैतिह तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअतुल्लाह अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ दीन इस्लाम है। इस आयत करीमा के ज़ाहिर हकीकत इस्लाम के उन्वान से आप हजरात की खिदमत में जो सिलसिला गुफ्तगू जारी है उस सिलसिले में मुझे आपकी खिदमत में आज की मजलिस में अर्ज करना है कि दरअसल बात यह है कि रसूल अकरम के इस दुनिया से जाने के बाद दुनिया वालों ने अपने जाती मफादात की खातिर दीन इस्लाम को पहाल करने की पूरी पूरी कोशिशें की। आज मुसलमान तहतर फिरकों में तकसीम हो गए और सवाल इस बात का है कि इस्लाम के जितने फिरका हैं सब नमाज पढ़ते हैं, सब रोजा रखते हैं, सब हज करते हैं, मगर इसके बावजूद भी मुसलमानों के दरमियान में इख्तलाफात हैं। नमाज में इख्तलाफ, रोजे में इख्तलाफ, अरकान हज में इख्तलाफ। तो सवाल यह है कि इख्तलाफ तो है क्या इस्लाम का बुनियादी इख्तलाफ है या मुसलमानों ने अपने जाति मफादात की खातिर इसमें इख्तलाफ पैदा किए। तवज्जो है मेरे दारे मोहतरम, आप के स्थानीय आलिया को इस तरह मुतवज्जे करना चाहता हूं कि देखिए मैं ये मानता हूं कि कुरान मजीद की आयत को समझने में इख्तलाफ हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि अहादीस रसूल को समझने में इख्तलाफ हो सकता है, इसलिए कि बस रसूल में आने वाले बस रसूल में बैठने वाले सब अहादीस रसूल को समझें या कुरान मजीद की आयत को सब समझें तो इसमें इख्तलाफ हो सकते हैं। तवज्जो है मेरे दारे मोहतरम, लेकिन अजीदा ने गिरानी और तवज्जो फरमाया, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मिसाल के तौर पर मैंने एक घंटा आप हजरात की खिदमत में खिताब किया, इस एक घंटे की मजलिस में पूरा खिताब जितने मोमिनीन हजरात यहां पर मौजूद हैं सबके जहन में लफ ब लफ मेरा मजमून महफूज हो जाए कि मुमकिन नहीं है। तवज्जो है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है कि कोई साथ ये कहे कि नहीं ये पढ़ा था, कोई कहे कि ये पढ़ा था, तो बात समझ में आती है कि इसमें इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन मुझे आप सच बताइए कि अगर इस मजलिस के बाद ये पूछा जाए कि जो साहब मजलिस को खिताब कर रहे थे उनकी शेरवानी में रंग कैसा था, तो अगर इसमें इख्तलाफ हो जाए, कोई ये कहे कि नहीं साहब सफेद रंग
शेरवानी थी, कोई कहे कि सब्ज रंग की शेरवानी थी, तो ये बड़ी हैरत की बात है। इसलिए कि मेरे एक घंटे की तकरीर जहन में महफूज ना रही, ये बात तो समझ में आती है, मगर मेरी शेरवानी का जो रंग है इसमें इख्तलाफ पैदा हो जाए, ये हैरानी की बात है। इसलिए कि ये शेरवानी का रंग जो है ये जहन से समझने की बात नहीं है, ये आंखों से देखने की बात है। आंखों से देखने की बात है, तो सबको यही कहना चाहिए था कि सिया रंग की शेरवानी है, सिया रंग की शेरवानी है, मगर जब इसमें इख्तलाफ पैदा हो गया तवज्जो फरमाइएगा, तो यह हैरानी की बात है, यह अकल से समझने की बात नहीं थी, तवज्जो है, यह आंखों से देखने की बात थी। तो मैं ये तो मान सकता हूं कि अहादीस रसूल को समझने में इख्तलाफ हो गया, मैं ये तो मान सकता हूं कि आयात कुरानी को समझने में इख्तलाफ हो गया, मगर इतना इख्तलाफ पैदा हो गया कि मुसलमानों को यह भी याद नहीं रहा कि रसूल हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे या हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। ये जहन से समझने की बात नहीं थी, ये आंखों से देखने की बात थी, मगर इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। मगर जब मैंने मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने के तरीके अलग अलग देखे कि कहीं हाथ बंधे हुए हैं, कहीं हाथ खुले हुए हैं, तो मेरी समझ में यही बात आई कि बज़्मे रसूल में एक मजमा आया ही इसलिए था कि इख्तलाफ पैदा करे, और इतना इख्तलाफ पैदा करे कि 1400 साल के बाद मुसलमानों को यह भी याद न रहे कि रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे। सलवात मेरे बहू इस्लाम को समझ ही ना सके कि हकीकत इस्लाम क्या है, उसका सबब यह है। बड़ा कीमती जुमला आपके सामने समाज के हल का मदीना लिखा है। बात दरअसल यह है कि इस्लाम मुसलमानों ने रावियों से लिया, इसलिए इख्तलाफ पैदा हुआ। हमारे यहां इख्तलाफ इसलिए पैदा नहीं हुआ कि हमने इस्लाम अहले बैत से लिया, हमने इस्लाम अहले बैत से लिया, इसलिए कि जितने मसाजिद हैं सबको आप देख लीजिएगा, सब मुख्तलिफुल ख्याल है। इस्लाम में फकत एक फिरका ऐसा है कि जो 12 को मानता है, मगर 12 के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है कि राय ऐसा है, सीरत ऐसी है।
सकते हैं कुरान मजीद का एक हिस्सा वो है जो इबादत पर मबनी है, जिसमें अल्लाह ने इबादत का तज़किरा किया। मौला फरमाते हैं कुरान मजीद का दूसरा हिस्सा वो है कि जो कसस पर मबनी है, जिसमें अल्लाह ने अंबिया व सहाबा के तज़किरे किए। मौला फरमाते हैं कि कुरान मजीद का तीसरा हिस्सा वो है कि जिसमें अल्लाह ने हम अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। अपने मौला फरमाते हैं कि कुरान मजीद का चौथा हिस्सा वो है कि जिसे या तो सिर्फ अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। देखिए आपने जुमले की कदर नहीं किस तरह, ये बड़ा कीमती जुमला है जो मौला ने रहमतुल बलागा में इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद का चौथा हिस्सा वो है कि जिसे या तो सिर्फ अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। इसके माना ये हुए कि अगर बगैर अहले बैत के कुरान दिया जाएगा तो एक हिस्सा कुरान का तो समझ में आ ही नहीं सकता। सलवार में जब हम कल जरा ताखीर हो गई थी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एक घंटे में अपनी गुफ्तगू तमाम हो जाए, लेकिन जितनी देर गुफ्तगू हो तवज्जो के साथ आप समाप्त करें। और ये भी मेरी गुजारिश है कि वक्त से आप तशरीफ लाते रहें ताकि हमारे अपने जो मरूजात हैं वो आप खिदमत कर सकें। तवज्जो पर अब आप सुने क्या कहा, कुरान मजीद का एक हिस्सा वो है जो इबादत पर मबनी है। अब जुमला सुने, अगर इस्लाम फकत अल्लाह अल्लाह करने का नाम होता तो कुरान मजीद सिर्फ इबादत पर मबनी होता। अल्लाह सिर्फ इबादत ही का तस्करा करता, दूसरा कोई तस्करा ही न करता अल्लाह, मगर अल्लाह ने अंबिया के तस्करे किए कुरान में। जब अल्लाह ने फरमाया दूसरा हिस्सा कुरान का, अल्लाह ने आदम का तस्करा किया, नूह का तस्करा किया, मूसा का तस्करा किया, इब्राहिम का तस्करा किया, ईसा का तस्करा किया, तवज्जो है नहीं, इब्राहिम का तस्करा किया, जनाब सालेह का तस्करा किया, जनाब अय्यूब का तस्करा किया, जनाब ज़करिया का तस्करा किया, जनाब यूसुफ का तस्करा किया, जनाब याकूब का तस्करा किया, जनाब सुलेमान का तस्करा किया, जनाब दाऊद का तस्करा किया। ए मेरे पालने वाले, जिन अंबिया की शरीयत पर हमको चलना नहीं है हम उनका तस्करा क्यों करें? भाई मैंने बड़ा कीमती जुमला कह दिया। तो क्या भाई, देखिए अब नासिक शरीयत है रसूल अरबी की शरीयत, नूह की शरीयत मंसूख हो गई, इब्राहिम की शरीयत मंसूख हो गई, मूसा की शरीयत मंसूख हो गई, ईसा की शरीयत मंसूख हो गई, अब नासिक शरीयत है मोहम्मद अरबी की शरीयत। हम तो उनकी शरीयत पे चलते हैं तो हम क्यों तस्करा करें नूह का, हम क्यों तस्करा करें मूसा का, हम क्यों तस्करा करें इब्राहिम का, पर क्यों करें? उनकी शरीयत का हमको चलने नहीं है। अल्लाह ने कहा जिन अंबिया ने मेरे दीन को पहुंचाने के लिए सोबतें बर्दाश्त की है, मुश्किल का सामना किया है, जहमतें उठाई है, मैंने कुरान में उनका जिक्र इसलिए किया है कि तुम्हारे जहन से उनकी याद मर नहीं होनी चाहिए। तो इनायत जंग की ड्योहड़ी में वो कीमती जुमला आपकी खिदमत में करूंगा कि आपके जहनों में हमेशा महफूज रहेगा। तवज्जो फरमाए, जिन अंबिया ने सऊबतें बर्दाश्त की है, मुश्किल का सामना किया है, दीन को पकड़ने के अजियतें उठाई है, मैं चाहता हूं कि उनकी याद हमारे सहन से बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कुरान में तस्करा किया है कि तुम्हें आदम का जिक्र करना पड़ेगा, तुम्हें नूह का तस्करा करना पड़ेगा, तुम्हें मूसा का तस्करा करना पड़ेगा, तुम्हें इब्राहिम का तस्करा करना पड़ेगा, तुम्हें सालेह का तस्करा करना पड़ेगा, तुम्हें ज़करिया का तस्करा करना पड़ेगा। और सुनो, तुम इन अंबिया के तस्करे करोगे हम उसे इबादत बना देंगे, तुम इन अंबिया के तस्करे करोगे हम उसे इबादत बना देंगे। वो इबादत आज आप मुझे बताएं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, जनाब नूह का जिक्र करते हैं तो क्या इबादत नहीं है? है नहीं इबादत? इबादत है नहीं? मूसा का तस्करा आपने
खुदाई खोल के पढ़ा तो इबादत है, ये सारा तस्करा किया तो इबादत है, ये हजार का तस्करा किया तो इबादत है इबादत है। अल्लाह ने कहा तुम आदम का तस्करा करोगे हम इबादत बना देंगे, तुम नूह का तस्करा करोगे इबादत बना देंगे, तुम इब्राहिम का तस्करा करोगे इबादत बना देंगे। अच्छा मेरा जुमला सुनो, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिन्होंने रसूल से पहले दीन पहुंचाया उनका तस्करा इबादत हो जाए, और रसूल के बाद जिन्होंने दीन बचाया इसे सर पर रखना, लेडी पैरों में रखना चाहिए।
हमारे लिए का इब्राहिम इसे सर पर रखें, आपने कौन सर पर रखी? मैंने लिखा मूसा, इसे सर पर रखें, आपने कौन सर पर रखी? ये ब्रेस्ट का पत्ता हो, नमरूद के पत्ता पत्ता हो, शत्ता के पत्ता पत्ता हो, भाई ऐसा क्यों किया? कुछ आने की बात है, या अंबिया के नाम पे सर पर रखने की बात ही है, और ये ब्रेस्ट का नाम पैरों पर रखने की बात है, फिराउन का नाम पैरों पर रखने की बात है। मैंने कहा भाई एक बात याद रखना, एक मौका ऐसा भी आता है जब नमरूद के नाम को सर पे रखना पड़ता है, फिराउन के नाम को सर पे रखना पड़ता है, शद्दाद के नाम को सर पे रखना पड़ता है, और कौन सा होता है? मैंने कहा जब आमान करते हैं तो कुरान सर पे रखते हैं, कुरान में शद्दाद का नाम भी है, नमरूद के नाम भी है, तो आपने कुरान को सर पे रखा, नाम नमरूद का भी है कुरान में, शद्दाद का भी, अब क्यों रख लिया आपने? याद क्यों रख लिया? कुरान में आ गया तो सर पे रखा, मैंने लिखा तो पैरों में रखा। क्या मेरे लिखने से हिज्जे बदल गए भाई? हिज्जे बदल गए? नहीं, वो आपने लिखा वो कुरान में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि निस्बत से अजमत होती है। ये ऐतराज इब्लीस का नहीं है, शद्दाद का नहीं है, जो कुरान का ऐतराज है, कुरान का ऐतराज, क्योंकि कुरान में आ गया, लिहाजा आप सर पे रखेंगे। आज इस सर पे रखने को छोड़िए, अगर इब्लीस का नाम कुरान में आ जाए बगैर वजू के छू नहीं सकते इब्लीस के नाम को, भाई गलत तो नहीं, छू नहीं सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि एहतराम दो तरह के होते हैं, एक निस्बती एहतराम होता है, एक ज़ाती एहतराम होता है। निस्बती एहतराम निस्बत टूटने से खत्म हो जाता है, ज़ाती एहतराम खत्म नहीं होता। अगर कुरान में है तो काबिल एहतराम, अगर कुरान से बाहर है तो भी काबिल एहतराम। समझ आ गई? तो आप ये ना कहिएगा माजल्ला सुम्मा माजल्ला रसूल का जिस्म गुम्बद खिदरा में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया, अब वहां से कुछ नहीं मिलता, दुआएं ना मांगो, मुरादे ना मांगो। माजल्ला सुम्मा माजल्ला रसूल का जिस्म गुम्बद खिदरा में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। क्या तुमने कब्र खोल के देखा है? और देखा होगा तो न जाने किसे देख लिया होगा। दूसरों का ईमान मिट्टी में मिलाना चाहते भाई, मुझे लिखा। अब मैं कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता इस सिलसिले में, तवज्जो बनवाए। ये कहना कि माशाल्लाह रसूल का जिस्म गुंबद खिदरा में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 50-60 साल पुराना वाकया, और वो तो 50-60 साल पुराना पुराना है, और अभी भी जनाब हजरत के अंतिम गवाह है। अभी कब आ गया? दो सहाबी रसूल 60-70 साल पुराने वाक्य, ज्यादा पुराने वाक्य नहीं। कौन? जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी और जनाब हुज़ैफ़ बिन यमानी, जो दफन थे फरात के किनारे, और उस वक्त के बादशाह शाह फैसल के ख्वाब में आए। ख्वाब में आने के बाद से बताया, ए बादशाह, हमारी कब्रों में हमारे मैयतों को कब्र स्वीकार कर मदाइन में सलमान के रोजे के करीब दफन कर। एक रोज का दूसरे दिन के साथ तीसरे दिन के साथ जब मुसलसल 3 रोज काम करके था, तो उलमाए नजफ के पास पहुंचा बादशाह शाह फैसल, और उलमाए नजफ से पूछा, ये बताओ हम 3 रोज मुसलसल के काम करते रहे, काम की हकीकत क्या? बादशाह, ये खाक खाक नहीं है, सहाबी रसूल का हुक्म है, इसलिए कि जो खाक तू देख रहा है
वही ख्वाब हम भी देख रहे हैं। चुनाचे आज शहशाह फैसल खुद कब्रों के करीब पहुंचा और उसके बाद जब निभाया जा रहा था हजारों का मजबा था कि 1400 साल के बाद ज्यादा करे साहब के रसूल अब तो कब्र को खोला तो क्या देखा ऐसे लग रहा है जैसे दोनों साहब के रसूल सो रहे हैं। भैया कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा मैं इसमें कोई इतना तो है दोनों सहाबी रसूल की बात अदाफानों ने आज भी तस्वीर मौजूद है। मैं तो देखता सो रहे और जो ना लिखा है अब जो मैं ये दोनों देखा तो कफन तक पैदा नहीं हुआ था। भाई कफन को तो घर जाना चाहिए था कफन को खत्म हो जाना चाहिए था मगर जो जिस्म की हिफाजत कर रहा था वो कफन की भी हिफाजत कर रहा था। अब तुम ना सुनिए देख चुके कफन शहीद के जिस्म से मत था तो अल्लाह ने कफन की भी हिफाजत की तो जो कफन शहीद के जिस्म से मस हो जाए अल्लाह उस कफन की भी हिफाजत करे। तो अगर हम जैसे गुनहगार हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाए अब ये बड़ा कीमती जुमला है तो बच्चे से आप
सबसे पहला साइन कब्र हुसैन का, अगर कब्र की ज़ियारत करना मैयत होता तो जाबी की मैयत पे अदाब होता, मैयत की हिफाजत न होती। अल्लाह ने हिफाजत करके बता दिया कि कब्र की ज़ियारत करना बिदअत नहीं है। सब हयात होए सब जिंदगी इस्लाम समझना मुश्किल है। अगर अलवाइस से इस्लाम लेते तो बात होता क्या? इस्लाम क्या है? आपने बहुत फरमाया। अब अजीजा ने गिरामी, ये सहनियत, ये विदत है, वो विदत है, मैं इस बात से नहीं माता। तवज्जो फरमाए जिस पर, अगर इस्लाम अल्लाह तक करने का नाम होता, औलिया के तस्करे में बोलते शबे बरात का हलवा रसूल ने नहीं खाया, वो पुलाव भी रसूल ने नहीं खाया जिसे खा के तुम फतवे देते हो। आप मुझे बताएं किसी रिवायत में है कंडे बना के रसूल खाते थे? किसी रिवायत में है कि पुलाव बिरयानी रसूल खाते थे, कबाब रसूल खाते थे? अरे रसूल तो खुद फरमाते हैं कि मुझे अपने फख्र पे फख्र है। और उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा है कि रसूल इतना कम खाते थे, इतनी मुख्तसर खिसा थी रसूल की। ये जुमला तारीख की किताबों में कि रसूल को कभी डकार नहीं आई। और ये बिदअत का फतवा देने वाले न जाने क्या क्या खा जाते हैं मगर डकार तक नहीं लेते। इस बात का पढ़ना होगा काफी ही तो ना रंगावासी
खबरदार जब दस्तरखान पे खाना खाने के लिए बैठो तो पहले 40 घरों को देख लेना कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। अगर कोई भूखा सो गया और तुम्हारे पास इतना खाना हुआ कि तुम उसको दे सकते थे तो याद रखना, मैं शक्ति रोज तुमसे सवाल करें तुम्हारे पास खाना था तुम यार आप ये कमाल बता रहे हैं कि इस्लाम अल्लाह अदा करने का नाम नहीं है। फिर मंजिल आगे बढ़ी कहा सुनो सौदा के तो शहर के ऊपर ही हुकुम जाकर देखो याद रखना कि तुम सौदा के मंजिल आगे बढ़ी और सुनो याद रखना मां जिस आवाज में बोल रही है उससे बुलंद आवाज में बोलना करने का नाम होता भी हो क्यों पकड़ा बुलंद आवाज से इस्लाम कहता है नहीं इस्लाम ही बता रही है कि बाप आए तो बेटे का जाति है कि ताजी के लिए खड़ा हो। आप जो बात करते हैं सुन्नत रसूल की सीरत रसूल की बच्चों पूछे वो इस्लाम क्या है कि रसूल की सीरत क्या रसूल ने अपने बाप का एहतराम किया रसूल अपने बाप के ताजीम के लिए खड़े हुए कोई बताए आप मुझे रसूल ने ताजीम की बात की अगर कोई कहे कहा ताजीम की बताऊंगा गलत कि जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बाप तो पहले इस दुनिया से चले गए बाप है ही नहीं तो इसका मतलब सुन्नत रसूल की ये बनी जब पैदा होती है बाप को वादा बच्चे पर खुदा की कसम फतवे देना आसान है इस्लाम समझना मुश्किल है कि इस्लाम क्या हकीकत है इस्लाम और इस्लाम में बाप की तादीन करो जबकि रसूल ने तादीन की भी अब उलमा ने अपनी किताबों में यह लिखा कि बात दरअसल यह है कि अल्लाह को यह गवारा नहीं था कि मेरा अफसल अफसल अंबिया रसूल उसे बाप की ताजीम करना पड़े लिहाजा अल्लाह ने बाप को पहले मेरा रसूल बाप की ताजीम करे अल्लाह को गवारा नहीं था लिहाजा बाप को उठा दिया मेरे रसूल को बाप की ताजीम न करना पड़े। तो जो बाप की ताजीम न करे तो फिर वो किसी की तादीम नहीं करेगा। भाई जब बाप को इसलिए उठा दिया कि बाप को तादीम ना करना पड़े तो जो बाप की तादीम ना करे फिर वो किसी की तादीम नहीं करेगा। मगर खुदा की कसम तमाम तारीख इस बात को लिखती है कि जब भी अबू तालिब आते थे रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे ताजीम के लिए अबू तालिब के ताजीम के लिए रसूल खड़े हो जाते थे। तो मुझे ये बताओ कि पस में रसूल में अगर कोई सहाबी आए तो क्या रसूल ताजीम के लिए खड़े होंगे? क्या कभी किसी तारीख में है कि किसी सहाबी की ताजीम के लिए रसूल खड़े हो गए? नहीं हुए ना। और जब अबू तालिब आते थे तो रसूल ताजीम को खड़े हो जाते थे। तो मुझे ये बताओ कि वो सहाबी अच्छा जिसकी ताजीम रसूल न करे या हाज अल्लाह वो काफिर अच्छा जिसकी ताजीम के लिए रसूल खड़ा हो जाए? इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, ब्याज कटने की बात पे या मुबालिग पे
ताजी कसम है जी, हम नहीं मानते, तो मैं खुदा की कसम दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब भी फातिमा ज़हरा आती थी, जब भी शहजादी आती थी रसूल बेटी की तादीन के लिए खड़े हो जाते थे। अच्छा सीरत क्या बनी, क्या सीरत बनी रसूल की, जब भी बेटी आए तो बाप को चलती की तादीन के लिए खड़ा हो जाए। भाई रसूल की सीरत रहते नहीं, सुन्नत रसूल है, लिहाजा जब भी बेटी आए मुसलमान को चाहिए बेटी की तादीन पर हमें बताइए, हमें बताइए देता कि कोई बाप अपनी बेटी की तादीन के लिए खड़ा होगा क्यों नहीं खड़े होते, जब सीरत रसूल है सुन्नत रसूल है तो क्यों तादीन नहीं करते। अच्छा अगर ठीक है पिछले उलमा लिखना भूल गए किताबों में तो अब लिखो, अब लिखो और ये लिखो कि रसूल ने बेटी की तादीन किया गया था मुसलमान का लाजिम है वो बेटी की तादीन करे, लिखो किताब। अच्छा कोई मुसलमान नहीं करता ताजी, क्या किसी सहाबी ने अपनी बेटी की ताजी की, आप मुझे बताओ किसी सहाबी ने ताजी की? अरे जाने दीजिए सहाबी को, सबसे ज्यादा पढ़ के सीरत रसूल को समझने वाला मेरे मौलाना से पढ़ के कौन हो सकता, अली से पढ़ के कौन हो सकता, मिजाज शरा से रिसालत अली से पढ़ के कौन, सीरत रसूल को समझने वाला अली से पढ़ के कौन। या किसी तारीख की किताब में लिखता तो मौलाना कायनात के जनाब ज़ैनब सलातुल्लाह अलैहा की तादीन के लिए खड़े होते बताएगा, जनाब उम्मे कुलसुम की तादीन की नहीं की, जनाब नहीं तादीन की। यह अलग बात है कि तारीख की किताबों में इतना मिलता है कि जब की जनाब शहजादी आती थी तो हुसैन की बुनियाद तादीन के लिए खड़े हो जाते, मगर यह रिश्ता पहन हल का रिश्ता है, बेटी और बाप का रिश्ता नहीं, अली ने किता थी आज सब तादीन करती है क्यों मुसलमान तादीन नहीं करता। खुदा की कसम इस्लाम समझ ही नहीं सकते कि हकीकत इस्लाम क्या है, अगर इस्लाम अहले बैत से लेते तो समझ में आता कि इस्लाम क्या है, पता इस मसले का हल क्या है। मुसलमान सुनिएगा, रसूल ने तादीन की अपनी बेटी की, आज कोई मुसलमान तादीन नहीं करता, किसी सहाबी ने तादीन नहीं, उसका सबक एक मिसाल गुजरने बात बातें करता था, एक पॉलिटिकल जलसा बना और उस जलसे में स्टेज बना हुआ सियासी जलसा और उस जलसे के सिदारे में नौजवान को कर दिया, स्टेज पर बहुत से अपराध बैठे हैं, वहां पर उस नौजवान का बाप भी बैठा हुआ है कि जिसके बेटे को जलसे की सिदारत कर दी। हमने देखा वो नौजवान जैसे ही आया तमाम अपराध स्टेज से तादीन के लिए खड़े हुए, वो खड़े हुए हमने देखा बाप की तादीन के लिए खड़ा हो गया। मैंने कहा है ये सबको तादीन करने दीजिए मगर आप तादीन नहीं करें, इसलिए वो तो आपका बेटा है, आप अपने बेटे की तादीन के लिए क्यों खड़े हो रहे। मैं जब घर में होता तो मैं कभी अपने बेटे की तादीन नहीं करता, अरे आपका जहन नहीं पहुंचा मैं क्या कर रहा हूं खुदा की कसम, जब घर में होता तो कभी अपनी बेटी की तादीन बेटे की तादीन नहीं करता, मगर आज क्योंकि ये बहैसियत सदर के आया है तो मैंने मनसब के एतबार से तादीन की है, बहैसियत सदर के तादीन की है। अगर रसूल ने बेटी की तादीन बाप और बेटी के रिश्ते से की होती तो आज हर मुसलमान तादीन करता, मगर रसूल ने फातिमा की तादीन बहैसियत मनसब के की थी। शहजादी कॉनेंट का मैं सूर्य आपको दिखाना चाहता हूं,
इस्लाम नहीं देगा, अहले बैत से इस्लाम नहीं देगा। तुम अपनी तौहीद को पढ़ते पढ़ लो तो इस्लाम समझ में आ जाए। सुनिएगा अजमत शेखा के कौन है क्या, अजमत फातिमा सहरा के तारीख तबरी ने लिखा, तबरी लिख रहा कि जिस वक्त रसूल की विलादत हुई अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जाओ मोहर नबूवत को आबे कौसर में ठोके दे। सीरत रसूल लिखने के लिए जो बैठक आए, आज जो समाना है कि पैगंबर उलझ के रह गई, उसका सबक यह है कि हम पैगंबर की वो समान हयात मुरतब न कर सके जो हुजूर की शायर निशान होता। तबरी लिखा कि जब हुजूर की विलादत हुई अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जाओ मोहर नबूवत को आबे कौसर में ठोके दे जाओ, और ये मोहर नबूवत ले जाके रसूल की शान पे लगा दो। जिब्राइल मोहर नबूवत को आबे कौसर में ठोके लेके आए और लाने के बाद वो मोहर नबूवत रसूल की शान पे लगा दिया। और उसके बाद जिब्राइल कहता है, उसके बाद तारीख तबरी कहता है कि मोहर को लगाने के बाद जिब्राइल ने अपने दोनों होंठों से मोहर नबूवत को चूम लिया। और उसके बाद तबरी ने लिखा कि फिर आदम आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। शीश आए, तरे आमना को सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। अनुष आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। महलाइल आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। यारा आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। इदरीस आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। लमक आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। शीश आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। मतुशला आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। मूसा आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। ईसा आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। इब्राहिम आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। ज़करिया आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। यहिया आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। इलियास आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। अय्यूब आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। साले आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। याकूब आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। यूसुफ आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। दाऊद आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। सुलेमान आए, तरे आमना पे सलाम किया, मोहर नबूवत को बोसा दिया। अजमत फातिमा सहरा के लिए एक जुमला दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। 1,23,999 अंबिया तरे आमना पे आते रहे, सलाम करते रहे, मोहर नबूवत को बोसा देते रहे। तो मुझे कहने दीजिएगा, जिस दर पे आके 1,23,999 अंबिया सलाम करे उसे तरे आमना कहते रहे, और जिस दर पे आके खुदा का आखिरी रसूल सलाम करे उसे तरे फातिमा सहरा। Thank you.
और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, आज भी एक ज़हनियत पैदा कर ली गई है ना, क्या ली गली नहीं करो, कल तक दूसरों में ये बीमारी थी, क्योंकि यार ये कहने वालों के मुखालफत करते थे, आज ये रोग ये बीमारी अपनों में लग गई, काली गली नहीं करो, कहिया तो अल्लाह अल्लाह करो, या रसूल रसूल करो, दुश्मन अली को अगर अली के मुकाबले में कोई मिला तो या तो अल्लाह मिला या रसूल मिला। अब आपके समाजों के लिए जुमला रख रहा हूं, तवज्जो से नमाज फरमाए, याद रखिएगा पूरी जिम्मेदारी सब पर इस बात, जिसने एक मरतबा या अली कह के नारा लगाया उसे पूरे खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। इब्ने अब्बास आए मौला के पास, मौला आज दिल चाहता है आपसे तफसीर कुरान सुनूं, बैठ जाओ इब्ने अब्बास, तफसीर बयान करना शुरू की, सूरह अलहम की नहीं बिस्मिल्लाह की तफसीर, फकर बिस्मिल्लाह की तफसीर, पूरी रात तमाम हो गई बिस्मिल्लाह की तफसीर पर, पूरी रात तमाम हो गई, जब सुबह नमुदार हुई तो मौला ने कहा इब्ने अब्बास क्या करूं, वक्त ने साथ नहीं दिया, नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ते हो, अगर वक्त होता तो अभी और तफसील पर बयान करते। इब्ने अब्बास ने कहा मौला सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसील पर, देखिए बात याद रखिएगा, मैं तकलीफ दे रहा हूं, जिसमें एक मरतबा याद नहीं किया किनारा लगाया उसे पूरे खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। मौला पूरी रात तमाम हो गई सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसील पर, मौला जब हम बिस्मिल्लाह ही को ना समझे तो कुरान को कैसे समझेंगे। आज तो पता नहीं इतनी बार पढ़ लो पूरा खुतबा पढ़ूंगा आपकी खिदमत में, ये तो खुतबा का मौला था जो इब्ने अब्बास के सामने मौला ने खुतबा पढ़ा है, मौला अली का वो खुतबा है कि इंशाल्लाह आप बड़े महसूस हो सुन के, इंशाल्लाह या कल की मजलिस में इंशाल्लाह पढ़ूंगा या परसों की मजलिस में पढ़ूंगा, वो पूरा खुतबा सुनिएगा खुदा की कसम खिलकत कायनात के सिलसिले में, तो मेरे मौला का खुतबा जमीन कैसे बने आसमान कैसे बने, मौला का पूरा खुतबा है इंशाल्लाह कल ही पढ़ूंगा, बस आपने जो सुने मौला जब कुरान बिस्मिल्लाह को समझे तो फिर कुरान को कैसे समझेंगे। मौला ने कही तो दूसरी बात होगी, कल दुनिया ये कहेगी जो कुरान समझ में नहीं आता उसे पढ़े तो मौला नहीं नहीं बना पा ऐसा नहीं कहो ऐसा नहीं कहो बना पा कब फिर मौला का बस इब्ने अब्बास यूं समझ लो कि जो पूरी कायनात में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो सूरह अलहम्द में है, जो अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो बेब के नुक्ते में है, और अना नुक्ता तो तहतल बा मैं वो नुक्ता हूं जो बेब के नीचे लगाया जाता है, इसके माना यह है जिसने एक मरतबा या अली कह के नारा लगाया उसे खत्म कुरान का सवाब मिला। मुसलमान वैध नहीं करता, क्या किसी से किरदार से बात नहीं,
क्या लाइब्रेरी में यजीद की बैठ की है? मैं यजीद के किरदार से बात करूं फिर बैठ कहा क्या गया? कहा क्या गया? बात दरअसल क्या है, हुसैन को हालात के रुख को समझ सकता है। बड़े बड़े लोग बैठ कर चुके थे तो हुसैन को भी हालात के रुख को समझ कर मां समझा सुन मां समझा यजीद से बैठ कर लेनी चाहिए। इनके सवाल को इन्हीं की गर्दन में डालना चाहता हूं। तो आपका सवाल है, आपकी गर्दन में डालता हूं कि चूल्हे के साथ इसका मतलब यह है कि सन 61 हिजरी जो हुसैन ने किया वो किसी ने नहीं किया, और जो किसी ने नहीं किया वो हुसैन ने किया। बड़े बड़ा तीन दिन साथ किया तो बस आज की बात नहीं, दोस्तों क्यों बैठ कर ली? किरदार चलाती थी, जैसे कि आमद चलाती फिर भी बैठ कर ली। क्यों बैठ की? इसके माने क्या है कि लाइब्रेरी बहुत पहले बैठ थी बल्कि इख्तदार के सब में आके हुकूमत के दबाव में हुकूमत के प्रेशर में आके यजीद के सिपाही को फाजिल की बैठ कर ली। मेरा आखिरी जुमला है, खुदा की कसम जाहिर ना हो जाए तवज्जो से। इसके माने क्या है कि सन 61 हिजरी तक बादशाह ताकतवर था, आवाम कमजोर थी, और सन 61 हिजरी के बाद हुसैन की कुर्बानी के बाद बादशाह कमजोर हो गया, आवाम ताकतवर हो गई, और इतनी ताकतवर हो गई कि आज आवाम चाहे तो बड़े से बड़े हाकिम की टांग पकड़ के नीचे खींच ले। हाकिम कमजोर हो गया, आवाम ताकतवर हो गई। ये हाकिम को कमजोर किसने किया? आवाम को ताकतवर किसने किया? हुसैन के सर में शहजादी ज़ैनब की चादर में। जनाब ज़ैनब से जब मौला ने कहा कि मुझे वलीद के दरबार में बुलाया है, तो ज़ैनब तड़प गई।
भैया वली के दरबार में ज़ैनब अकेला नहीं था, जाओ भैया जाओ, मगर जब तक ये मेरे भाई हुसैन तुम्हारी कोई जमानत नहीं ले लेगा, मैं तो दरबार में जानी गई हूं। अब्बास की सौजन ने शहजादी का ये जुमला सुन लिया, आए अब्बास आराम कर रहे सीने में फसल लेटा, सौजन अब्बास के रोने की आवाज बुलंद हुई, अब्बास घबरा के उठे करीब आए, गरीब का सबक क्या है तुम्हारे रोने का सबक क्या है कि मेरे वारिस मेरे आका को वली के दरबार में बुलाया, वली के दरबार में बुलाया और शहजादी ये कहती है कि जब तक मेरे भाई की कोई जमानत नहीं ले लेता मैं वली के दरबार में जाने नहीं दूंगी। अब पास उठे और उसके बाद कहा अब आपने क्या फैसला,
सवाल बैत की। इमाम हुसैन ने कहा देखो बात क्या है, ये बैत ईमानदार गाड़ी की शब बजे ली थी, सुबह को सबको बुला हमें बुला काम बताए तो बैत किसको करनी चाहिए किसको नहीं करना चाहिए किसकी बैत करनी चाहिए, बैत क्या है। बड़ी ने कहा ठीक इमाम हुसैन उठना चाहते तो तुम्हारे बात का दूसरों करीब बैठा उसने कहा वली क्या खजर करता है हुसैन इस वक्त अगर निकल गए तो फिर तेरे हाथ नहीं रहे हुसैन तो अभी मत बस फिर मरतबा आहार बुलंद हुई हुसैन आज तले नीलों के बच्चे तेरी मजाक क्या है कि हमें सब कर बस ये आवाज गाजी के कान तक पहुंच
अब्बास को जंग नहीं कर रहे, अब्बास की तलवार निकलती तो दुनिया खैबर में चली जाती। कैसा जली था मेरा अब्बास, इंशाल्लाह 8 मुहर्रम को गाजी अब्बास की सुप्रीम की जंग पड़ता। बस आप ही मैं जो क्या है तो इसके 2 मुहर्रम रास्ते से दूर है कि वो तारीख है कि काबला मदीने से चलकर करबला पहुंच गए। बस बालों के खुलने का जिक्र आया, अब्बास ने सर झुका लिया।